प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजीपी के साथ बैठकर अपराध को खत्म करने की बैठक कर रहे हैं। वहीं रायबरेली पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन के कुशल नेतृत्व में जनपद में 24 घंटे में ऑपरेशन दस्तक के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों की संयुक्त पुलिस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। बताया जाता है कि पुलिस के चंगुल से फरार चल रहे 129 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें जिला वदर इनामिया व वांछित अपराधी शामिल हैं। पुलिस की इस बड़ी कार्यवाही से जिले भर के अपराधियों के बीच खलबली मच गई और यह भी कहा कि यह ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। बताया जाता है कि नवागत पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के प्रभारियों को सख्त निर्देशन किया है कि उनके थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण में रहे या नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने 12 चौक के प्रभारियों को फेर बदल करते हुए कहा कि थाना क्षेत्रों में भी सही कार्य न करने वाले थानेदारों को भी निर्देश जारी किए हैं। रविवार के दिन 24 घंटे का एक लगातार अभियान पूरे जनपद भर में चलाया और इस अभियान को ऑपरेशन दस्तक का नाम दिया। यह अभियान मुख्यतः चार बिंदुओं पर था: अपराधी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, नॉन अवेलेबल वारंट के वो जो वारंटी हैं उनकी गिरफ्तारी, जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं पुरस्कार घोषित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी। ये बताते हुए हमें अपार हर्षमय अनुभव है कि सभी के अथक प्रयास से सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रयास से हमने पूरे जनपद भर में भारी संख्या में अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनकी टोटल संख्या 129 है। इनमें से 21 वांछित अभियुक्त विभिन्न थानों से, 99 वारंटी, 6 जिला बदर अपराधी व 3 उसमें इनामी अपराधी हैं। टोटल संख्या 129। 24 घंटे के अंदर इतनी व्यापक कार्रवाई हम लोगों ने की है और ये जो शासन की नीति है जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स क्राइम, उसके प्रति एक बड़ा कदम है और आगे भी निरंतर इस तरीके की कार्रवाई हम लोग करते हैं। सर, आपने अभी अपना